नमस्कार दर्शकों, मैं ईशव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों की जिंदगी में जितनी भी कष्ट है, जितनी भी तकलीफ है, इस दिवाली दूर हो जाए। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध करके और 14 वर्ष का वनवास काट के माँ सीता के साथ वापस अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में, जिसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का दीपक जला के स्वागत किया था। इसी चीज को और भी बेहतरीन तरीके से जानने और समझने का मौका आज मुझे इस किताब के थ्रू मिला, रघुवंश, रिटन बाय महाकवि कालिदास। इस किताब में ना केवल भगवान श्री राम के बारे में, माँ सीता के बारे में बताया गया है, बल्कि भगवान श्री राम के जैसे जितने भी वंशज रहे हैं उन सबको बताया गया है, जो महाराज मनु से शुरू हो गए, चाहे वो लवकुश हो गए, उनके पुत्र हो गए, उनके भी पुत्र हो गए, इन सब के बारे में इस किताब में व्याख्या की गई है। कालिदास ने इस किताब में निसंकोच ये बताया है कि जहां एक वक्त पे प्रजा महाराज दिलीप, रघु, दशरथ, भगवान श्री राम राज्य में खुश थी, संपन्न थी, वहीं एक ऐसा भी वक्त आया था जब इस रघुवंश का पतन हुआ था, जहां इस कुल में महाराज दिलीप, महाराज रघु, महाराज दशरथ, भगवान श्री राम, इनफैक्ट लवकुश जैसे वीर और पराक्रमी राजा हुए, वहां पे एक ऐसा भी वक्त आया जब इस रघुवंश का पतन हो गया। इस किताब में न केवल भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बताया गया है, बल्कि भरत, लक्ष्मण, सीता और वो सारे लोग जो रामायण में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते थे, उन सबके बारे में बताया गया है। इनफैक्ट भगवान श्री राम के जितने भी जनरेशन थे, जितने भी वंशज थे, चाहे वो उनके वो पिताजी हो गए, चाहे उनके वो दादाजी हो गए, चाहे उनके पुत्र लोग हो गए, उन सभी के बारे में, उनके जन्म से लेके बाल समय से लेके उनके विवाह से लेके उनके मृत्यु तक के बारे में सारी कुछ इस किताब में बताई गई है। और इस किताब का लेखन इस बात का प्रमाण है कि क्यों हम तुलसीदास को महाकवि कहते हैं। इस किताब में वैसे तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो आपको स्तब्ध कर देंगी, लेकिन मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ। एक ये कि एक बार की बात है, महाराज रघु जो थे वो अयोध्या से हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वो जिन जिन नगरों से क्रॉस कर रहे होते हैं, उस नगर में, उस शहर में जो भी विश्वविख्यात, जो भी फेमस चीजें थी, वो कालिदास ने उस वक्त डिस्क्राइब किया है अपनी किताब में, चाहे वो कश्मीर के केसर हो गए, चाहे वो कश्मीर के अखरोट हो गए, चाहे वो कश्मीर के हिमालय पर्वत हो गए, इन सारी चीजों के बारे में कालिदास ने उस वक्त अपने किताब में लिखा था। और दूसरा ये कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माँ सीता के साथ पुष्पक विमान में वापस आ रहे थे, तो जब पुष्पक विमान उड़ रहा था तो वो सारी चीजें को डिस्क्राइब कर रहे थे कि देखो ये राम सेतु है। उस वक्त भगवान श्री राम ने माता सीता को वेल मछली कैसे सांस लेती है इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो ये बात का प्रमाण है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो कस्टम्स है, ये कहीं ना कहीं उस वक्त बहुत ज्यादा आगे थे। मैं बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करता हूँ जिसकी सिविलाइजेशन आज के टाइम से बहुत ज्यादा आगे थी, और इस चीज को जानने का मौका मुझे आज इस किताब के द्वारा मिला। इससे बेहतरीन, दिवाली से ज्यादा बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा इस किताब को पढ़ने के लिए। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस किताब को ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।